5 है, कह रहा फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, एट रेस्ट, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमको क्या पता चलता है, हमको टिक लगाना है, किसका किसका ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखो एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर ध्यान से चेक करें तो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। देखो वेलोसिटी से हमारा यहाँ पर मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम स्पीड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, बिकॉज वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी होती है ना, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पता है। अब बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसा ग्राफ आया है हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, आइए हम आपको यहाँ नंबर लिख के दिखा देते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है, आइए नंबर लिख के दिखा देते हैं। सपोज ये 1 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड और ये 4। अब तो समझ में आ गया भाई, यहाँ कोई तो नंबर होगा ना, जरूरी नहीं कि 4 हो, 5 हो, 6 हो, मुझे नहीं पता, पर कोई नंबर ही तो होगा यहाँ पर, ठीक है ना। कोई बच्चा अगर ऐसे लिख लेता 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ 8 आ जाता, जो लिखना लिख लो, कोई तो नंबर होगा यहाँ पर। और यहाँ पर समय बढ़ता जा रहा है, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो समय के बढ़ने के साथ साथ अगर हम आपको बोलें कि भाई 1 सेकेंड पे मुझे वेलोसिटी बताओ, तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 4। फिर मैंने बोला भाई 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 4। फिर मैंने बोला 3 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, 4। फिर मैंने बोला 4 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, 4। ठीक, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। तो जब वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, पता है क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, वेलोसिटी मैं बोलूं या स्पीड बोलूं, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए उसकी, वेलोसिटी बोलूं या मैं स्पीड बोलूं, ये कैसी हो गई आपकी, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि अभी भी 4 है, अभी भी 4 है, अभी भी 4 है, यानी कि हर एक सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड यही रहती है, चेंज नहीं होती, यानी कि हर एक सेकंड में ये कितना डिस्टेंस चलती है, 4 मीटर, हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चलती है, 4 मीटर, भाई यही तो इसका मीनिंग है 4 मीटर पर सेकंड का, कि एक सेकंड में 4 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में चेक करोगे 4 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 4 मीटर, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इक्वल इंटरवल, और वो इंटरवल ऑफ टाइम आपने कितना लिया, 1 सेकंड, 1 सेकंड में आप चेक कर रहे हो सपोज, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड में 4 मीटर जा रही है, तो इक्वल इंटरवल में अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो ऐसी बॉडी के मोशन को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। तो हमारा आंसर आ गया कि भाई ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब आपको मार्क्स भी मिल गए, फुल मार्क्स मिल गए, आइए हम आपको इसमें और समझाते हैं। देखिए एक बात बताइए, क्या आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप चेक करो, वेलोसिटी का तो चेंज ही नहीं होता है, यहाँ पर समय बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही। जैसे कि अगर मैं आपको दो यहाँ पर इंटरवल ले लूँ, मान लीजिए 3 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच की अगर मैं बात करता हूँ, तो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है बोलो, 4, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। भाई मैं 3 से 5 इस इंटरवल में आपको बात कर रहा हूं, ठीक है, और 5 सेकेंड पे भी वेलोसिटी कितनी है बताइए, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल भी कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, चेंज नहीं हुई। टाइम कितना गुजर गया जरा बताओ, टाइम कितना हो गया, टाइम कैसा निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अरे भाई सीधे से यार, ये 1 सेक्शन 2 सेक्शन 2 ही सेकेंड तो गुजरे है ना, फिर भी अगर आप निकालना चाहो तो फाइनल टाइम क्या है, 5 सेकंड, और इनिशियल टाइम क्या था, 3 सेकंड, तो फाइनल मतलब 5 माइनस इनिशियल यानी कि 3, 5 माइनस 3 2 ही तो आ जाएगा, और सीधा सीधा दिख रहा है यार ग्राफ में कि 2 सेकंड के इंटरवल में मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड। अब याद करिए, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते थे तो ये u इधर जाता था, तो a की वैल्यू क्या जाती थी, पहले u आप लेफ्ट में लेके जाते थे, तो वी माइनस यू, और फिर यही तो होता था ना, v माइनस यू और at इज इक्वल टू v माइनस यू, और फिर t से डिवाइड लगाते थे। कहीं आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, जब आप ग्राफिकल मेथड से या किसी से आप इक्वेशन ड्राइव करते थे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये देखो ना, यही तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो है, ठीक है, v माइनस यू बाय टी, वेलोसिटी का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, रखो जरा वैल्यू, रखो v, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 4, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 4, अपॉन टाइम कितना है, 2, 4 माइनस 4 ऊपर कितना हो गया, 0, और 0 के नीचे कोई भी नंबर आता है तो आंसर क्या आता है, 0 अपॉन समथिंग, 0, 0 आ गया, कौन 0 आ गया, एक्सेलरेशन 0 आ गया, अरे वेलोसिटी ही नहीं चेंज हुई थी, एक्सेलरेशन कहाँ से जनरेट होगा, ठीक, तो यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। अब इन्होंने देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है मुझे, कह रहे हैं कि इस ऑप्शन को देखिए, कह रहे हैं कि मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूविंग विद
यूनिफॉर्म एक्सलेशन, एक्सलेशन ही नहीं है तो यूनिफॉर्म किस बात का, एक्सलेशन ही नहीं है तो यूनिफॉर्म किस बात का, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। ठीक, कह रहा है इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन की नहीं बात करी उसने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये यूनिफॉर्म था भाई, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है तो यूनिफॉर्म होगा ना। नॉन यूनिफॉर्म कहां से हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कब होता था, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चलता था। मतलब जैसे पहले सेकंड में 4 मीटर गया, फिर दूसरे सेकंड में 1 मीटर गया, फिर हाँ फिर थर्ड सेकंड में 3 मीटर चला गया। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी डिस्टेंस ही नहीं फिक्स है कितना ट्रेवल करता है, उसके 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 उसका जो ग्राफ आता है वो कर्व शेप में आता है, मतलब घूमा हुआ पैराबोला या लाइक दैट, ऐसा कुछ ऐसा ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, चलो वो सब बात, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पता है गलत क्यों हो गया, ये भी हमको पता होना चाहिए। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एट रेस्ट। अब पता है कोई बच्चा क्या बोलता है, सर ये ग्राफ तो ऐसे चलता चला जा रहा है, ये तो मुझे रेस्ट में लग रहा है। अरे भैया किस बात का रेस्ट में लग रहा है तुमको, हाँ वेलोसिटी है बॉडी में, वेलोसिटी है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। समय के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही लेकिन ऑब्जेक्ट चल रहा होगा। बोलता है सर एक्सेलरेशन तो जीरो है। अरे एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। सुनो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ना तो ये मत समझ लेना कि एक्सेलरेशन उसका कुछ ना कुछ होगा ही। नहीं नहीं नहीं, कोई बॉडी अगर चल रही है और उसकी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, यानी कि चलती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। कौन से केस में, जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। दिखाया मैंने आपको कि नहीं दिखाया, ठीक। अगर देखो रेस्ट में पता है कब होती, जब ग्राफ ऐसा होता, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना होके क्या होता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता। बात समझ आ रही, डिस्प्लेसमेंट क्या होती, पोजीशन बॉडी की। तो पोजीशन मान लो तुम्हारे घर से ये 1, ये 2 और ये 3 मीटर पे, तो समय गुजरता जा रहा है और कार जो है वो तुम्हारा घर यहाँ ओरिजिन पे, तुम्हारे घर से कितने पे खड़ी है, 3 मीटर। अब वो खड़ी ही है, एस डिस्प्लेसमेंट है यानी कि पोजीशन को बता रहा, तो समय गुजरता जा रहा है और पोजीशन क्या उसकी, अभी भी 3 मीटर, अभी भी कहाँ से, ओरिजिन से, ओरिजिन में तुम्हारा घर है सपोज, तो तुम्हारे घर से 3 मीटर पे ही खड़ी, चल ही नहीं रही है। तो अगर आपको S और T का ग्राफ पैरेलल मिले, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तब आप बोलिएगा कि बॉडी रेस्ट पे। V और T का ग्राफ अगर पैरेलल मिले तो बॉडी रेस्ट पे नहीं है, बॉडी चल रही है 4 मीटर पर सेकंड या जितने से भी चल रही है, हाँ एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा इस टाइम। तो चलती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है कब, जब उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया बात। अब यहीं पर एक बात मैं आपको और डिस्कस करता हूँ, तो ये ऑप्शन भी गया कि नहीं गया। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या कि एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, dv/dt होता है कि नहीं होता है, बताओ। अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, यदि आपको उसी डिफ्रेंशिएशन में आ जाइए, y इज इक्वल्स टू मान लो 5 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 5, हमने बोला dy/dx निकालो, क्या निकालो dy/dx निकालो, तो आप बोल दोगे आंसर 0 आएगा। जब भी आपको यहाँ प्योर नंबर दिखाई पड़े, यानी कि कोई भी x वैक्स ना दिखाई पड़े, तो नंबर का डिफ्रेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। पता है क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या है, कांस्टेंट। y क्या है, कांस्टेंट है, तो y चेंज ही नहीं होगा, और तुम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो y जब चेंज ही नहीं होगा, वो भाई 5 तो 5 होता है ना, कांस्टेंट होता है, वो कहाँ चेंज हो जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करने पे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में जो वेलोसिटी इन्होंने हमको दी थी वो कितनी दी थी, मतलब जो भी दी थी, पर कोई नंबर तो होगा भैया, 5, 6, 7, 8 कुछ तो होगा, हमने क्या माना था कि 4 है, तो वेलोसिटी बताओ यहाँ कैसी है, कांस्टेंट है कि नहीं। अगर मैं इसका dv/dt निकालता तो मेरा आंसर बताओ कितना आता, बताओ मेरा आंसर कितना आता, 4 का डेरिवेटिव कितना आ जाता, 0, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तुम निकाल रहे हो ना टाइम के रिस्पेक्ट में, वो तो चेंज ही नहीं होती, 4 तो चेंज ही नहीं होता है, तो आंसर आ गया 0। लेकिन तुमने पढ़ा था कि ये dv/dt क्या होता है, dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है, बताओ एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0। जैसे देखना हो वैसे तुमको एक्सेलरेशन 0 मिल जाएगा, चाहे वहां से देख लो चाहे यहां से देख लो। अब एक चीज़ और बताओ, मैंने तुमको क्या बताया था कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है तुमको, एक्सेलरेशन देता है। अब जरा स्लोप समझ लो, क्योंकि देखो समझना तो तुमको पड़ेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हर एक चीज़, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो स्लोप पे बेस्ड होंगे। कोई तुमको जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपको कोई ये झटपट ये क्वेश्चन करा दे रहा होगा ऑनलाइन, है ना, तो रटने वाली बात है बच्चों, ठीक है, समझ लीजिए एक बार कॉन्सेप्ट, तो हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, किसी कंपटीशन में आप बैठोगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, इसलिए आप समझ लीजिए। देखिए स्लोप का मतलब समझिए, स्लोप का मतलब झुकाव होता है, क्या होता है, झुकाव, स्लोप का मतलब झुकाव, ठीक है। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। अब हम आपको अपनी स्केल दिखाते हैं, मेरी स्केल देखिए जरा, तो स्केल को पहले हमने एक्स के अलोंग रख दिया, ऐसे एक्स के अलोंग, मतलब एक्स से लग के हमने इसको रख दिया। अब देखिए हम इसको घुमाएंगे,
देखिएगा जरा, घुमाना शुरू कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसी डायरेक्शन में, घड़ी जिधर चलती है उसके ऑपोजिट है, घड़ी ऐसे चलती ना क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने की ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाइए। तो चलिए घुमाते हैं जरा, देखिए स्केल अब हमारी घूमेगी, ध्यान से चेक करिए, ये घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज और घूम के मान लो यहाँ पर आ गई, ठीक। ये एंगल आप मेजर कर सकते हो, डिले और मेजर कर लो, सपोज ये एंगल कितना है 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री, यही इसका स्लोप है। मतलब लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है वही क्या होता है उसका स्लोप होता है। इसको हालांकि टैन थीटा से निकाला जाता है बट वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्लास टेंथ में आप पढ़ोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पढ़ी आपने भी, बात समझ में ही। तो सिंपल सा फंडा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्लोप बताओ कितना है किसी लाइन का स्लोप बताओ, तो तुम कहोगे भाई आप एक काम कर लो, आप जाके ये चेक कर लो कि वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना झुकी हुई है, झुकी मतलब ये उसका झुकाव है, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में। देखो क्योंकि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये नेगेटिव, नेगेटिव वाले से नहीं चेक करना है, कहाँ से करना है पॉजिटिव वाले से, ठीक है, कोई डाउट है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर स्लोप कितना आएगा, मतलब टेन 30 हम निकाल लेंगे, या स्लोप आप 30 बोल दो आपके लिए माफ है, चलो कोई बात नहीं, नाइन्थ क्लास में आप छोड़ो, स्लोप का मतलब समझ में आ गया एक्स एक्सिस के साथ झुकाओ। एक बात बताओ, यहाँ पर स्लोप बताओ इस लाइन का कितना है, स्लोप ही नहीं है इसका, ये तो एक्स के पैरेलल है, नहीं बात समझ में आई। देखो ना भाई, अगर हम किसी चीज़ को, देखो अगर हम ऐसे इसको घुमाते इसको स्केल को ऐसे, तब तो एंगल बनता, लेकिन हम इसको ऐसे उठा दे रहे हैं, ऐसे उठा दे रहे हैं, ऐठे ऐसे बस इसके पैरेलल कर दे रहे हैं, कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, जीरो। याद रखिए जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच एंगल कितना होता है, जीरो होता है। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बताओ, जीरो। तो स्लोप कितना हो गया, जीरो। और हमने आपको क्या बताया था कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, जीरो। कितने तरीके से एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा ये यूनिफॉर्म मोशन है, और भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, कर लीजिए।